एशियन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, एससी में सीजीआई बेंच के सामने कल होगी सुनवाई। देश में कोरोना के नए मामले में जबरदस्त उछाल, 24 घंटे में 90,928 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 300 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना, राज्य में कुल 260 संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 144 नए मरीज आए सामने, प्रदेश में अब तक 797 मरीज। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जेमिमा रॉड्रिक्स, शिखा पांडे को नहीं मिली जगह। वैक्सीनेशन टेस्टिंग बढ़ाए, पालक मंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य चुनाव आयोग कार्यालय से वापस लौटे अधिकारी, कोरोना से अटका प्रभाग रचना प्रारूप। अब पुलिस को भी कार्रवाई के अधिकार, उल्लंघन पर 10,000 का चालान और सील होगा संस्थान, सीपीएम नितेश कुमार ने दी जानकारी। 6 नायलॉन मांझा विक्रेताओं पर छापा, यूनिट 3 की 25 दिनों में 20 कार्रवाई। बीते 24 घंटे में शहर में सामने आए कोरोना के 404 नए मामले, 8,107 लोगों की हुई जांच। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।